2020 हिंदी का पेपर क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का 2020 हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसको डिटेल में आज हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कुछ इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रश्न पत्र के दो खंड आ और बा हैं, पूछे गए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और क्रमवार इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यह हमारे पास पहला क्वेश्चन गद्यांश दिया हुआ है। अब इतना बड़ा गद्यांश अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसको खुद से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए, और उसके बाद में क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत क्या बोध होता है, ठीक है। तो हिमालय कहने पर भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा का ही केवल स्मरण नहीं होता, अपितु भारत की पवित्रता का, उस ऊंचाइयों का भी स्मरण या बोध होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पृथु राजा ने पृथ्वी को क्यों डराया था, ठीक है। क्या है, पृथु राजा ने पृथ्वी को क्यों डराया था, तो इसका आंसर देंगे यहाँ पर। तो राजा पृथु ने पृथ्वी को इसलिए डराया था, धमकाया था, क्योंकि पृथ्वी के बंजर होने के कारण प्रजा दुख से पीड़ित होने लगी थी, देवताओं को यज्ञ भाग्य मिलना कठिन होने लगा था। उसके पश्चात राजा पृथु ने पृथ्वी को डराया और धमकाया था, ठीक है। अगले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि हिमालय की कौन सी संस्कृति का अग्रदूत है, तो हिमालय आत्मदान में विश्वास करने वाली संस्कृति का अग्रदूत है। किसका, आत्मदान में विश्वास करने वाली संस्कृति का अग्रदूत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घा कि हिमालय का बड़प्पन किस रूप में है, तो हिमालय का बड़प्पन किस रूप में है, तो पर्वतराज हिमालय का बड़प्पन केवल नवधिराज होने के कारण नहीं है, अपितु उसका बड़प्पन गंगा जैसी नदियों को जन्म देने के कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है, ठीक है। गद्यांश का शीर्षक लिखना है हमने, तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा देवात्मा हिमालय का महत्व, ठीक है। बहुत अच्छा शीर्षक है, देवात्मा हिमालय का महत्व। अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सुनिएगा ताकि आपको आगे जो आपका पेपर आए उसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। लिखने का तरीका, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर एक विषय पर निबंध लिखना है। तो पहला विषय है जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है, इस पर हम निबंध लिखते हैं। जैसे पहला हेडिंग हमने डाल लिया जल का जीवन में महत्व, जितने हेडिंग इसमें दिए हुए हैं सारे हेडिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आप इतना कुछ लिखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ से ये रिकॉर्डिंग है लिखे हुए निबंध की, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम हो जाएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर, इसको देखते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में, ठीक है। ये है कुछ निबंध जल ही जीवन में महत्व। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग डालने हैं आपने, और स्वच्छ पेयजल, ठीक, सेकेंड हेडिंग आ गया, और थर्ड हेडिंग आ गया जल संरक्षण, उसके बाद में फोर्थ हेडिंग आ गया आपका प्रदूषण और उसके बचाव, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ, बचाव, सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप जल ही जीवन है इस पर निबंध लिख सकते हैं। और एक बात और अगर आप मानें तो इस जो जल ही जीवन है इसका जो आप आंसर लिखेंगे, जितने भी निबंध आते हैं इसका आंसर आप सबसे लास्ट में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसको लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए आप इसको लास्ट में ही प्रेफरेंस दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए हमने क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। एक पत्र लिखिए, उसका काल्पनिक नाम का खा गा, इस तरीके से हमने बताना है। तो हमने एक पत्र लिखना है, तो देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे। पत्र में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, रामनगर नैनीताल, ठीक है। उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रिय मित्र, नाम जो भी आपके मित्र हों, कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये है आपका पत्र, इस तरीके से आप पूरा पत्र लिखेंगे। स्नेह नमस्कार, मुझे टेलीफोन माध्यम से ज्ञात हुआ कि तुम इस वर्ष अपनी कक्षा में, ये इस तरीके से पूरा लिख देंगे। और पूरा लिखने के बाद सारी डिटेल लास्ट में लिखेंगे, सा धन्यवाद आपकी प्रिय सहेली का खा गा, या आपका प्रिय मित्र का खा गा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद बताइए। दो नंबर का क्वेश्चन है, अभी ऊपर आपने 10 और 5 नंबर का क्वेश्चन हल कर लिया है। तो
परीक्षार्थी परीक्षा भवन में ना जा रहे हैं, सॉरी परीक्षा भवन में जा रहे हैं, इसमें क्रियापद हो जाएगा जा रहे हैं और उसका भेद हो जाएगा सकर्मक क्रिया व समापिका क्रिया, क्योंकि जा रहे हैं जब पहुंच जाएंगे समाप्त हो जाएगी और सकर्मक क्रिया पॉजिटिव वे में जा रही है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला है वह पानी पी रहा है, तो क्रियापद हो जाएगा पी रहा है और भेद हो जाएगा सकर्मक व समापिका क्रिया, क्योंकि पी लेगा पानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में यथा निर्देश उत्तर दीजिए, तो यथा निर्देश उत्तर दीजिए में क्या बोला गया है कि छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण छाँट कर लिखिए। तो इसमें क्रिया हो जाएगी पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण हो जाएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, अगला है रेल के आने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले आओ। ठीक है, क्या बोला है, रेल से आने की अपेक्षा तुम हवाई जहाज से चले आओ। इसमें समुच्च बोधक शब्द छाँट कर लिखना है, तो इसमें समुच्च बोधक शब्द होगा अपेक्षा, और क्योंकि अपेक्षा शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया था वे उत्तीर्ण हो गए, तो किस तरह का वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, उसके बाद में है अगला कि निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य का चयन कीजिए, मोहन आज विद्यालय नहीं गया, वह समझदार है, तुम क्या कर रहे हो। वेरी इजी क्वेश्चन, क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य, फ्री का नंबर। उसके बाद में कह रहा है अशोक पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में बदलिए। ठीक है, तो अशोक पुस्तक पढ़ता है कर्मवाच्य में कैसे बदला जाएगा, अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या होगा, अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, बस यहाँ पर लगा देंगे अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घ, अमित से दौड़ा नहीं जाता है, कर्त वाक्य में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, अमित नहीं दौड़ता है, क्या लिखेंगे, अमित नहीं दौड़ता है। ठीक है, अमित नहीं दौड़ता है क्या हो जाएगा, कर्तवाक्य में, कर्तवाच्य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से तारा शब्द का अर्थ छाँट कर लिखिए। ठीक है, इसका अर्थ लिखना है, तो तारा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर नक्षत्र, क्या हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 ये बोला गया, सॉरी 6 का ख, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर राकेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से पद्यांश आ गया है, तो देखिएगा यहाँ पर बोला गया, सॉरी गद्यांश, काव्यांश में बोला गया है, निम्न काव्यांशों को पढ़कर एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमने। ठीक है, तो पहला काव्यांश है हरे हरे, ये पढ़ लीजिए आप इसको, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर बोला गया है, पहला क्वेश्चन, गोपियों के लिए हरिल की लकड़ी कौन सी, सॉरी कौन है और किस रूप में है, स्पष्ट करना है। तो गोपियों के लिए हरिल की लकड़ी के वो कौन है, श्री कृष्ण है। जिस प्रकार हरिल पक्षी किसी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है, सदैव उसको अपने साथ रखता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी अपनी तुलना में हरिल की पक्षी से करती हैं। ठीक है, और ये पूरा आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर लिख भी सकते हैं। ठीक है, फिर है खा, खा के लिए क्वेश्चन बोला है, गोपियों को करुई ककड़ी की तरह क्या लगता है और क्यों। तो गोपियों को करुई ककड़ी की तरह श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए उद्धव के माध्यम से योग साधना के उपदेश लगते हैं, और ये इसका आंसर कंप्लीट है, आप यहाँ से इसका आंसर कंप्लीट पढ़ के और याद कर सकते हैं। अगला है गोपियों के लिए व्याधि का आशय क्या है। ठीक है, तो गोपियों के लिए व्याधि का आशय, गोपियों के लिए व्याधि का आशय है एक शारीरिक रोग से है, जिसके बारे में गोपियों ने ना ही कभी सुना था ना ही कभी देखा था। गोपियों के लिए व्याधि श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए योग साधना से है, जो उनके लिए शारीरिक रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक मैंने सॉल्व करा दिया है, नेक्स्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अथवा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए,
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध में आने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ठीक है, तो कौन कौन से तर्क दिए थे, तो ये देखिए राम लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण के धनुष टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए गए। लक्ष्मण ने धनुष के टूटने पर सर्वप्रथम कारण धनुष का पुराना होना बताया, जिसके कारण श्री कृष्ण जी उसे नया समझकर धोखे से उठा लिया, जिससे उनके उन्हें छूते ही धनुष टूट गया। और इतने सारे यहाँ पर दिए थे, आप इसको देखें, पढ़ें और नोट करें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 का ख। इसमें बोला गया है अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो ये वर्णन है हमारे शब्दों में, आप देखिए यहाँ पर और इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं। अट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन की सौंदर्यता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं फागुन की सुंदरता इतनी मनमोहक है, मनमोहक व आकर्षित करने वाली है, जो पृथ्वी में नहीं समा पा रही है। और पूरा यहाँ से पढ़कर आप इसका आंसर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ठीक है, फिर है दो प्रश्नों के उत्तर देने थे, दो प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो कभी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि कभी कहता है कि मेरे जीवन में अनेक दुख व सुखों में ने प्रवेश किया है, परंतु इनमें से कोई भी किसी भी बाह के लिए सॉरी किसी भी पाठक के लिए घटना प्रेरणादायी नहीं है, अपितु स्वार्थ मात्र ही की घटनाएं हैं। ठीक है, उनको पढ़कर के किसी भी पाठक को लाभ नहीं पहुंचेगा। तो इस तरीके का यहाँ पर आत्मकथा लिखने से बचना चाहा है। ठीक है, उसके बाद में है खा, इसका खा में है बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि इनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कवि के मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, कवि की मुस्कान, बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि के हृदय पलट कर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं हमने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में स्त्री की स्थिति सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो प्राचीन भारत में स्थिति शिक्षा की परंपरा भी थी। अत्रि की पत्नी पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य करके तथा गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दें। इस तरीके का ये आंसर यहाँ से पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है, हमको जल्दी से पेपर सॉल्व करना है तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। खा क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं, खा क्वेश्चन में बोला गया स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकोट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है। स्त्रियों को पढ़ाना कालकोट और पुरुषों को पढ़ाना पीयूष का घूंट, इस कथन से कवि का आशय है कि हमारे समाज में स्त्री व बालिकाओं को पढ़ाना अनाकारी समझा जाता था और इसकी तुलना में पुरुषों को पढ़ाना कुल का चिराग रोशन करना माना जाता था। यह है इसका आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, नेताजी का चश्मा कहानी से हमें क्या, कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो नेताजी का चश्मा कहानी हमें बहुत प्रेरणादायी संदेश देती है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा देशभक्ति व देश प्रेम की भावना का जन संचार किया गया है। इस तरीके से पूरा आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक प्रश्न का उत्तर और देख लीजिए। यह है बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो इस रूप में बाल गोविंद भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर व्यक्त हुई है। ये कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको पेपर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फेक्शन के साथ मिल गए होंगे। अगर पेपर समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि पार्ट टू जल्दी लाइए, तो जल्दी से आपको इसका पार्ट टू मिलेगा जिसमें आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।